ओए मोनू मोनू, आज अपने स्कूल में कोई अधिकारी आने वाला है क्या इंस्पेक्शन के लिए? हाँ यार, कल प्रिंसिपल बता तो रहा था, देखो कोई आता है कि नहीं। आ गया हूँ मैं, मुझे पता है तुम दोनों मेरे बारे में ही चुगली कर रहे हो। तुम दोनों पर मुझे इसीलिए गुस्सा लगता है, जो बोलना है सामने बोला करो, पीठ पीछे तो कायर बोलते हैं। ओए गंजे, ज्यादा बकवास मत कर, जा चुपचाप अपने सीट पे बैठ जा, नहीं तो तेरी चुटिया पकड़ कर उठा के ऐसे पटकूंगा कि चार बार टप्पा खाएगा। ले ले, उठा के पटक मुझे, क्यों नहीं पटक रहा है? तुम लोग ना सिर्फ भौंकते ही हो, मैं जानता हूँ तुम लोग कितने बड़े गुंडे हो, मेरे सामने ज्यादा गुंडे ही मत दिखाओ। क्या रे गंजे, सवेरे सवेरे नशा करके आया है, आखिर तो इसकी देखो, लगता है पौआ चढ़ा के आया है, ना सेड़ी कहेगा। बकवास मत कर, मैं चाहे पौआ पीऊँ, चाहे बोतल पीऊँ, चाहे ठर्रा पीऊँ, चाहे बेड़ी पीऊँ, चाहे हुक्का पीऊँ, चाहे चिलम पीऊँ, कुछ भी करूँ, तुझे क्या लेना देना है मेरे से? ओए गंजे, होश में रहे, होश में। आज तक ना मोनू को कोई हाथ तक नहीं लगा पाया है, चारों तरफ इलाके में पूछ ले, मोनू भाई सब बोलते हैं। अरे गंजे, तू सुधरेगा कि नहीं? जब देखो तब क्लास में लड़ाई करता रहता है, कभी इस सीट पर तो कभी उस सीट पर, कभी भी क्लास में शांत नहीं बैठा करता तेरे से, कभी किसी से लड़ता है तो कभी किसी से लड़ता है, ये तेरे लड़ने की आदत जाएगी, किसको सुधारना पड़ेगा? मुझे ही आप हमेशा बोलते रहते हो, ये सम्मोखन और मोनू हमेशा लड़ते रहते हैं, पर इनको कुछ नहीं बोलते हो, मैं गरीब हूँ ना। ओए गंजे, होश में रह, होश में, अगर मेरा झूठा नाम ना आएगा ना तो देख लेना, हल्के में ले रहा है मुझे तू, हल्के में। मोनू भाई कहते हैं मुझे मोहल्ले वाले, मोनू भाई। अरे तुम सब चुप भी करोगे कि लड़ते ही रहोगे? अरे नालायकों, मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि आज हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर आ रहे हैं, और तुम लोग आज के दिन भी दंगल कर रहे हो, तुम लोगों ने क्लास रूम को बॉर्डर बना के रखा हुआ है। सर जी, आप भी फालतू का भाषण दे रहे हो, जब से गंजा क्लास में आया है किसी न किसी से लड़ता रहता है, एक भी दिन क्लास में शांति से नहीं बैठा होगा। मुझे लगता है ना कि ये रोज घर से लात और घूंसे खा के आता है, इसीलिए सारा गुस्सा क्लास में निकालता है। अरे अरे, सब लोग शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, वो अधिकारी आ रहा है, और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। बैठे रहो, बैठे रहो सब, इज्जत दिल में होनी चाहिए, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सर देख रहे हो अपने क्लास के बच्चों को, इनको तो नमस्कार करने का भी तरीका नहीं पता है। नहीं सर नहीं, ऐसी बातें मत करो, हमारे क्लास के बच्चे इतने होशियार हैं कि आपके क्वेश्चन करने से पहले ही आंसर दे देंगे। आप एक सवाल तो करके देखो, आपका सवाल पूरा नहीं होगा उससे पहले हमारे क्लास के बच्चे आंसर दे देंगे। ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं ना कि हमने इनमें कूट कूट का टैलेंट भरा है, पूरे इलाकों के स्कूलों में हमारे स्कूल के बच्चे बहुत ज्ञानी हैं, किसी भी स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल के बच्चों से टक्कर नहीं ले सकते हैं। ओके ओके ठीक है, मैं इनसे कुछ सिंपल और आसान सवाल करके देख लेता हूँ कि ये कितने बड़े टैलेंटेड हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, चेक कीजिए, आप खड़े हो जाएं और ये बताएं, सूप नाका की नाक किसने काटी थी? क्या सर, आप हमें मीडिया वाले समझ रहे हैं क्या? मुझे क्या पता सूप नाका की नाक किसने काटी, मीडिया वाला हूँ क्या जो ऐसी खबर लेके घूमूं? अधिकारी हो, स्कूल में आए हो तो स्कूल वाले सवाल पूछो, हमें क्या पता कौन किसकी क्या काट रहा है, क्या पता कौन किसकी नाक काट रहा है, कौन किसका गला काट रहा है, हमें क्या पता ये सब? हमें आप मीडिया वाले समझ रहे हो क्या जो पूरी दुनिया की खबर रखते हैं? आप खड़े हो जाएं, इनके बगल वाले। आप भी सर क्या बात कर रहे हो, हम बच्चे हैं, हमें क्या पता कौन किसकी क्या काट रहा है, क्यों काट रहा है, कहाँ काट रहा है, कब काट रहा है, क्या पता किसकी कौन नाक काट रहा है, कौन किसका गर्दन काट रहा है, हम कौन सा कैमरा लेके घूमते रहते हैं, ना ही न्यूज वाले हैं हम लोग जो सारी खबर रखें, बच्चे हैं, पढ़ने आते हैं पढ़कर चले जाते हैं, हमें क्या पता किसकी नाक कौन काट रहा है। आप भी सर बेवकूफों की तरह बात कर रहे हो, स्कूल में आए हो, स्कूल वाले सवाल कर लो, अगर फिर भी जवाब ना दे तो हमारी गलती है, आप तो उल्टा सीधा सवाल पूछ रहे हो, इसका जवाब हम कहाँ से दें? इसका मतलब तुझे भी नहीं आता कि सूप नाका की नाक किसने काटी थी? देखो सर, आप फिर वही बात कर रहे हो, हमें क्या पता, हम स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस हमें नहीं पता बीच में कौन किसकी क्या काट रहा है। अगर आपको इन सब की जानकारी चाहिए तो कोई न्यूज वाले से संपर्क करो, स्कूल में इन बातों का पता नहीं मिल पाएगा, कोई न्यूज वाला ही इन सब बातों को बता सकता है। बस अब चुपचाप बैठ जा, बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। तू खड़ा हो रे, और ये बता दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा मुझसे क्यों पूछ रहे हो?
मैं तो रणुआ बच्चा हूँ, ये उनसे पूछो जिनका शादी हो चुका है। मैं तो रणुआ बच्चा हूँ। अरे नालायक, तेरे बुक का पहला लेसन है दहेज प्रथा, कभी खोलता भी है बुक? हाँ जी सर, पढ़ता हूँ जी। दहेज प्रथा, हाँ जी पढ़ा था, याद है थोड़ा थोड़ा। हाँ जी बताता हूँ, दहेज प्रथा एक बहुत अच्छा प्रथा है। इस प्रथा में दुल्हन के साथ साथ रजाई, गद्दा, तकिया, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, कपड़ा धोने वाली मशीन, पानी ठंडा करने वाली मशीन, लोटा, थरिया, गिलास, बर्तन, कटोरी, भगोला, कुकर इत्यादि सामानों से घर भर जाता है और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। अरे उल्लू के पट्टे, कहाँ लिखा है ये सब, कहाँ पे लिखा है बता? सर जी कहीं पे लिखा नहीं है जी, लेकिन मैंने अपने आस पड़ोस वालों से सुना है जी। अरे नालायक, दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ये दहेज प्रथा नहीं है, कुछ लोगों ने भीख मांगने के लिए एक सामाजिक तरीका बनाया हुआ है। तो सभी लोग अब ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान से देखो, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, जिसको आता है वो बताएगा क्या लिखा हुआ है। ओके सर, लिखिए। हाँ जी लिखिए, जल्दी से। मैं बताऊं। कंजू रिलेशन। नहीं सर, नहीं सर, मैं बताता हूँ, ये लिखा है गंजू लेसन। तेरा भी गलत है सर जी, ये लिखा है गंगू लोसन, गलत है सर। ये लिखा है कौन सा लेसन। तेरा भी गलत है सर जी, ये लिखा है कांग्रेस लोसन, गलत है रे, गलत है सर जी। ये गंगू लोसन लिखा हुआ है, मेरे को पता है, गंगू लोसन। सबका गलत है, तेरा भी गलत है, बैठ जा। सर ये लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन। Oh, yeah. चलो शुक्र है, किसी ने तो सही बोला। चलो अब ये बताओ क्या लिखा हुआ है। सर जी ये लिखा है PHYS, प्याज लोगे। नहीं सर, नहीं, ये लिखा हुआ है सर प्यासे लोग। गलत है सर जी, ये लिखा है प्यासी लोगी। तेरा भी गलत है सर, मैं बताता हूँ, ये लिखा है साइकोलॉजी। Oh, yeah. किसी ने तो सही बोला। आप सब लोग अपना फीडबैक ध्यान से सुन लो। आप लोग पढ़ने में बहुत ज्यादा नालायक हो और बकवास बहुत ज्यादा करते हो, और आप लोगों के पेपर में आएंगे 0/0। और ये सारी फीडबैक मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को सुनाने जा रहा हूँ कि तुम्हारी क्लास का क्या हाल है। सर जी कुछ चाय समोसा लेंगे आप? सर जी वो तो चले गए गुस्सा के, हमारे लिए ही मंगवा दो।